और खबरों की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। डीएम ने घटना स्थल का दौरा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। तो ये भीषण घटना हुई है मुरादाबाद आगरा हाईवे पर, जहां आपको बता दें इस भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत हुई है जबकि करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। डीएम मौके पर पहुंचकर आपको बता दें पूरे उस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई थी जिसमें करीब 25 लोगों के घायल होने की खबर है जबकि इस पूरे हादसे में 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। आपको बता दें मुरादाबाद में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और ट्रक में आपस में टक्कर हो गई जिनमें 25 लोग घायल हैं जबकि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मृतक के परिवार है उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस पूरे हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। प्रभाकर चौधरी SSP है मुरादाबाद के, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। अभी इसकी जांच की जा रही है और जो प्रथम दृष्टि बताया गया है कि लगभग 8 बजे के आसपास DCM था उसको ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस साइड मारा और जो बस ट्रक आ रहा था उससे भी साइड लग गई, वो ट्रक भी पलट गया। सारी चीज़ों की अभी जांच की जा रही है क्योंकि इसमें संख्या लगभग 8 के आसपास है। प्राथमिक तौर पर हम लोगों का इलाज है और जो घायल अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है लेकिन जो यहाँ से डेड बॉडी मिली वो 8। और इस पूरे हादसे पर मुरादाबाद से और अधिक जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता शाहनवाज, सुनिए। जो है मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत बताई जा रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और जो जिन लोगों की मौत हुई थी उनको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल जो घायल है उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देख सकते हैं जिले का आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है। ट्रक का जो चालक है उसकी भी मौत हो गई है। भारी जो तादाद में लोग यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है क्योंकि जाम की यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी काफी देर से, तो यहाँ जाम खुलवाने के लिए जो है अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। देख सकते हैं जो मिनी बस है वो मिनी बस पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। मिनी बस में लोग सवार थे। यहाँ जो वाहन है वाहन के देख सकते हैं यहाँ टुकड़े पड़े हुए हैं। दुखद हादसा है, लोग भारी तादाद में यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से शाहनवाज इलियास।